फर्स्ट ईयर में आपने सी प्रोग्रामिंग सीखा, देन इन सेकंड ईयर यू लर्न व्हाट इज सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग, ओपी कंसेप्ट क्या होता है, फिर आपने जावा सीखा, VB.NET भी सीखा, देन यू लर्न कंसेप्ट लाइक ओपी डेटा स्ट्रक्चर डेटाबेस। पर क्या आपको पता है कि विंडोज एंड्रॉइड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे वर्क करते हैं, और क्या हो अगर आपने एक ऐप बनाया और प्ले स्टोर पर अपलोड कर दिया और बहुत लोगों ने उसको डाउनलोड कर दिया और फिर सर्वर डाउन हो गया, इट विल कॉज एंड सिस्टम फेलियर, राइट? तो इस सेमेस्टर में आप लर्न करने वाले हो कि उन प्रॉब्लम से कैसे बचे। वेलकम टू द फिफ्थ वीडियो ऑफ MSBT सेमेस्टर वॉक थ्रू। हम अभी थर्ड ईयर के फिफ्थ सेमेस्टर में हैं। तो इस सेमेस्टर में यू विल हैव 6 सब्जेक्ट और 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट। लेट्स टॉक अबाउट इलेक्टिव सब्जेक्ट लेटर। तो इस सेमेस्टर में यू विल हैव 6 कंपलसरी सब्जेक्ट जो कि है एनवायरमेंटल स्टडी, ऑपरेटिंग सिस्टम, एडवांस जावा प्रोग्रामिंग, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग, कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग। नाउ इलेक्टिव सब्जेक्ट क्या है? इन दिस सेमेस्टर यू विल हैव 3 चॉइसेस। आपको एक चॉइस पिक करनी है, इधर आपका कॉलेज चूज करेगा या फिर आपको खुद करना पड़ेगा ये डिसीजन। द 3 सब्जेक्ट्स आर क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, एडवांस कंप्यूटर नेटवर्क, एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट सेलेक्ट होगा और आपको 70 मार्क्स का थ्योरी एग्जाम होगी, ठीक है? क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग क्या भी? Now you all know HTML क्या है, ठीक है? अगर आपको एक वेबसाइट बनानी है, ठीक है, नॉट जस्ट अ स्ट्रक्चर वेबसाइट बट एक फुल स्टैक वेबसाइट जो कि आप इंटरनेट पे अपलोड कर सकते हो, देन यू हैव टू नो व्हाट इज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, क्योंकि इस सब्जेक्ट में आप लर्न करने वाले कि जावास्क्रिप्ट कैसे यूज करते हैं। यू विल लर्न अनदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट इज जावास्क्रिप्ट, फ्रेमवर्क्स लर्न करने वाले आप इसमें। यू विल लर्न CSS क्या होता है, आप कैसे एक वेबसाइट को स्टाइल दे सकते हो, कैसे एक एनिमेशन भी बना सकते हो वेबसाइट में। इन द एंड ऑफ द सब्जेक्ट यू विल ऑल्सो लर्न कि वेबसाइट को हम डेटाबेस कैसे लिंक कर सकते हो, देयर इज मेनी मोर थिंग इन दिस सब्जेक्ट। अगर आपको चाहिए, अगर आपको फुल स्टैक में करियर बनाना है, टेल योर कॉलेज सिलेक्ट दिस सब्जेक्ट। हमारे टाइम हमने यही सब्जेक्ट सिलेक्ट किया था। देन मूविंग ऑन, देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एडवांस कंप्यूटर नेटवर्किंग। दिस सब्जेक्ट इज नथिंग बट द एडवांस पार्ट ऑफ व्हाट यू लर्न इन प्रीवियस सेमेस्टर दैट इज DCC। आप कंप्यूटर नेटवर्किंग की कंसेप्ट और डीप लर्न करने वाले इस सब्जेक्ट में। अगर आपको कंप्यूटर नेटवर्किंग में करियर बनाना है, टेल योर कॉलेज सिलेक्ट दिस सब्जेक्ट एडवांस कंप्यूटर नेटवर्किंग। दिस इज फुल थ्योरेटिकल सब्जेक्ट। CSS में थोड़ी फार प्रोग्रामिंग होने वाली है, लाइक जावास्क्रिप्ट, CSS की, इसमें थ्योरेटिकल होने वाला है सब कुछ। देन देयर इज अ सब्जेक्ट कॉल्ड एडवांस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। नाम से आपको पता चलेगा कि जो आपको थर्ड सेमेस्टर में डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था उसका ये एडवांस वर्जन है। अगर आपको डेटाबेस में करियर बनाना है, टेल योर कॉलेज सिलेक्ट दिस सब्जेक्ट। Then moving on, now we will talk about the compulsory subject. इन 3 subject में से आपका college एक select करेगा, उस पर 70 marks की exam होगी और उसके बाद operating system है। Now what is operating system? अगर आपको Windows, Mac, Android एक कैसे work करते हैं आपको ये understand करना है, you have to learn operating system. You will learn कि memory और processor कैसे work करता है। You will understand how process management and memory management work. आप different type of algorithm learn करने वाले जो कि आपको मदद करेंगे आपके scheduling में, और सबसे इम्पोर्टेंट आप फाइल मैनेजमेंट टेक्निक क्या होते, कैसे यूज करते, ये सब लर्न करने वाले। इस सेमेस्टर में यू विल हैव ए 70 मार्क्स एग्जाम फॉर दिस सब्जेक्ट। आपको प्रैक्टिकल भी होगा और आपको माइक्रो प्रोजेक्ट भी क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपने ऊपर का इलेक्टिव सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर दिया, उधर भी आपको प्रैक्टिकल होगा और माइक्रो प्रोजेक्ट भी बनाना पड़ेगा। देन यू हैव अ सब्जेक्ट कॉल्ड सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, अगर आपने एक ऐप अपलोड किया है प्ले स्टोर पर, अगर उसमें एरर आ जाए तो आप क्या करोगे? सो इन ऑर्डर टू हैव प्रिकॉशन, हम सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग करते हैं हर एप्लीकेशन पर। अगर आपने प्ले स्टोर पे देखा होगा, अगर आपने ऑब्जर्व किया होगा, देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड बीटा टेस्टिंग, राइट? तो बीटा टेस्टिंग क्या होती है कि सॉफ्टवेयर कंपनी वाले कहते हैं कि आप टेस्ट करो हमारा ऐप और हमें फीडबैक दो कि हमारे सॉफ्टवेयर में कुछ प्रॉब्लम है या नहीं, ठीक है? यू विल लर्न कि टेस्टिंग कैसे वर्क करती है, हम सॉफ्टवेयर पे टेस्टिंग कैसे कर सकते हैं, हम कैसे एरर ढूंढ सकते हैं अपलोड करने से पहले, आप टेस्ट केसेस कैसे प्रिपेयर करते हैं, ये लर्न करने वाले। अगर आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में करियर बनाना है, यू हैव टू लर्न कि टेस्ट केसेस कैसे बनाते हैं। द मोस्ट इजीएस्ट थिंग एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग ऑफ ऑल दिस मेकिंग अ टेस्ट केस, आप टेस्ट प्लान क्रिएट करने वाले कि टेस्ट प्लान कैसे हम यूज कर सकते हैं हमारे एप्लीकेशन के लिए। अगर आपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लर्न कर दिया, यू विल बिकम अ बेटर कोडर। आप कम से कम एरर करोगे और आप कोडिंग से पहले सोचोगे कि ठीक है, अगर यूजर को ये चाहिए तो ये एरर नहीं आना चाहिए, ठीक है? यू विल हैव एन 70 मार्क्स एग्जाम फॉर दिस सब्जेक्ट। आपको प्रैक्टिकल भी होगा एंड यू हैव टू क्रिएट अ माइक्रो प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर।
Then moving on, there are two online subject. ठीक है, अभी तक हमने देखा कि ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को 70 मार्क्स का पेपर है और इलेक्टिव सब्जेक्ट में से जो भी एक सब्जेक्ट सिलेक्ट होगा, तो सपोज क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग आपने कॉलेज में सिलेक्ट किया, तो क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर टेस्टिंग को आपको 70 मार्क्स की थ्योरेटिकल एग्जाम होगी। ठीक है, और फिर बाद में एडवांस जावा और एनवायरमेंटल स्टडी, इन दो सब्जेक्ट के लिए आपको ऑनलाइन एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाली है। नाउ व्हाट इज देयर इन एडवांस जावा प्रोग्रामिंग, जो भी आपने जावा कोर जावा में सीखा था, आपको वही आगे लेकर एडवांस जावा में सीखना है। जैसे कि आपने पिछले सेमेस्टर में लर्न किया कि हेलो वर्ल्ड, कमांड लाइन प्रोग्राम कैसे बनते हैं जावा में, इस सेमेस्टर में आप लर्न करने वाले कि ग्राफिकल प्रोग्राम कैसे बन सकते हैं जावा में। जैसे कि आपने vb.net में सीखा था कि ग्राफिकल प्रोग्राम कैसे क्रिएट करते हैं हम, सेम वे इन एडवांस जावा यू विल लर्न कि कैसे हम ग्राफिकल एप्लीकेशन क्रिएट कर सकते हैं जावा में। यू विल लर्न कॉन्सेप्ट लाइक AWT, आप लर्न करने वाले कि नेटवर्किंग कैसे हम कॉन्सेप्ट ज्वाइन कर सकते हैं जावा में। यू विल लर्न सर्वलेट्स, यू विल लर्न हाउ डेटाबेसेस कैन बी लिंक टू जावा। अगर आपने एडवांस जावा सीख लिया तो यू कैन क्रिएट एन एप्लीकेशन सिस्टम यूजिंग जावा। इसमें एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होने वाली है, ऑनलाइन एग्जाम होगी वो भी, एंड देयर विल बी अ माइक्रो प्रोजेक्ट बाय द एंड ऑफ द सेमेस्टर। मूविंग ऑन, देयर इज अनदर ऑनलाइन सब्जेक्ट कॉल्ड एनवायरमेंटल स्टडी। इस सब्जेक्ट में आप लर्न करने वाले कि एनवायरमेंट के बेस पर कौन कौन सी लॉज है, उसमें व्हाट आर द रूल्स एंड रेगुलेशन, एवरीथिंग अबाउट एनवायरमेंट। ये सब्जेक्ट हमारी अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए अबाउट एनवायरमेंट। दिस सब्जेक्ट इज ऑल अबाउट स्कोरिंग मार्क्स। अगर आपको एग्रीगेट अच्छा चाहिए, यू हैव टू स्टडी एनवायरमेंटल स्टडी नाइसली। यू कांट लूज मार्क्स इन एनवायरमेंटल स्टडी एंड एडवांस जावा प्रोग्रामिंग। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, यू हैव टू टेक एडमिशन इन गुड डिग्री कॉलेज, यू हैव टू स्कोर गुड मार्क्स इन दिस टू ऑनलाइन सब्जेक्ट, दैट इज एडवांस जावा एंड एनवायरमेंटल स्टडी। आपको एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम होगी, ऑनलाइन एग्जाम होगी। देन यू हैव टू अनदर सब्जेक्ट, दैट इज इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग। अब इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में क्या होता है कि अगर आपको कॉलेज बोलेगा कि इधर ब्रिंग अ सर्टिफिकेट या फिर किसी कंपनी या किधर जाके वर्क करो और उनका एक्सपीरियंस लेटर लाओ, ठीक है, तो इधर यू हैव टू गो समवेयर, इधर ब्रिंग अ लेटर और सर्टिफिकेट दैट यू हैव वर्क समवेयर एंड यू हैव गिवन सम काइंड ऑफ इंडस्ट्रियल नॉलेज। ठीक है, दिस सब्जेक्ट वॉन्ट हैव एनी एग्जाम, प्रैक्टिकल, नथिंग। आपको सिर्फ एंड में एक सर्टिफिकेट या फिर कुछ लेटर ऑफ रिकमेंडेशन देना पड़ता है कॉलेज में मार्क्स के लिए। और कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग ये कि आपको पता होगा कि फाइनल ईयर में एक प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, तो कैपस्टोन प्रोजेक्ट प्लानिंग क्या है कि आपको ग्रुप्स में डिवाइड कर किया जाएगा इस सेमेस्टर में। ठीक है, यू हैव टू नो कि आपके ग्रुप मेंबर कौन है, देन यू हैव टू सबमिट द टाइटल ऑफ योर प्रोजेक्ट टू योर गाइड एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग ऑन योर प्रोजेक्ट इन दिस सेमेस्टर। इस सेमेस्टर में आपको प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करना है, सिर्फ आपको ग्रुप असाइन किया जाएगा, टाइटल आपको देना पड़ेगा सबमिट करके, दैट्स इट, एंड दैट इज इट इन दिस सेमेस्टर। आपको 6 सब्जेक्ट है, एक इलेक्टिव सब्जेक्ट होगा, 3 सब्जेक्ट पर 70 मार्क्स के पेपर होगी, 2 सब्जेक्ट पर ऑनलाइन पेपर होगी, एंड दैट्स इट फॉर 5th सेमेस्टर। क्लिक द वीडियो ऑन स्क्रीन टू सी व्हाट्स देयर इन फाइनल सेमेस्टर। दिस इज यशवर्धन साइनिंग ऑफ, थैंक यू।